शहर में कई अवैध कारोबार चल रहे हैं जिसके ऊपर पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कार्रवाई के बाद फिर से यह अवैध व्यवसाय शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही कार्रवाई उल्लासनगर 4 में पान की दुकान पर की गई, जहां पर निर्बंध गुटखा पर कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों पर सवाल उठे हैं कि उन्होंने पैसे की मांग की। इस विषय पर हमने फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की महिला अधिकारी अरुणा वीरकायडे से आरोप के विषय पर बात की है। अवैध कारोबार धरल्ले से किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई तो होती है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही ये जो व्यवसाय है फिर से शहर में एक बार सक्रिय हो जाता है। ऐसी कार्रवाई की जो है चर्चा अभी सोशल मीडिया में और आपने खबरों में भी सुनी थी। उल्लासनगर के एंकरवांग 4 में एक पान शॉप में जो है गुटके को लेकर जो है कार्रवाई की गई और इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है काफी वायरल हुई। इसमें दो तरीके के तर्क बताए जा रहे हैं, जिसमें पहली सीसीटीवी जो कि बताए जा रहे हैं, जिसमें जो कि अधिकारी है जिसे जो है पुलिस अधिकारी कहा जा रहा है, तो कोई फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का अधिकारी दिखाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है वो शराब के नशे में वहां पे आता है, बदतमीजी करता है, और दूसरी जो फुटेज नजर आती है जिसमें जो है कार्रवाई करते हुए एक महिला नजर आती है और वही अधिकारी नजर आता है जो कि शराब के नशे में कुछ दिन पहले वहां पर धतिंग करते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद जो है जब ये कार्रवाई की गई तो इसका जो है मामला उल्लासनगर के विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, लेकिन जब इस मामले का जब आगे खुलासा हुआ तो ये बात सामने आई कि जो कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से अधिकारी आए थे जिन्होंने कार्रवाई की थी, उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की, यानी कि 50,000 रुपये लेने की मांग की ताकि जो है मामले को दर्ज नहीं किया जाए। लेकिन इस मामले में जो है एक और नया रुख देखने को मिला जब ये बयान सामने से आया कि जो है 50,000 रुपये जो है अधिकारियों को दिए गए, उसके बाद भी जो है कार्रवाई की गई। 50,000 इसलिए दिए गए थे ताकि जो है कार्रवाई ना हो, मामला दर्ज ना किया जाए। इसके बाद जो है हमने उल्लासनगर के विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की जो महिला अधिकारी है अरुणा जी से उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जो 50,000 रुपये लेने की जो कि एलिगेशन लगाए गए थे उस पर क्या है कहना। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो है एक आरोप है लगाया जा रहा है और साथ ही जो है इस तरीके का बेबुनियाद आरोप को वो जो है खारिज करते हुए नजर आई। लेकिन सवाल उठता यह है कि बड़ी कार्रवाइयां शहर में जो है होती रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है धरल्ले से ये जो कारोबार है व्यवसाय है शहर में फल फूल रहा है। वहीं पे गौर करने वाली बात है कि छोटे मोटे दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े डीलर है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। जिस तरीके से जो कि सवाल हमेशा से प्रशासन पुलिस प्रशासन पर उठता है कि कहीं ना कहीं ले दे कर जो है मामलों को रफा दफा किया जाता है, तो वही जो है परिणाम इस मामले में भी नजर आ रहा है। बहरहाल जो पैसे के लेन देन के मामले को लेकर महिला अधिकारी अरुणा जी ने जो है इसको खारिज किया, लेकिन देखना यह है कि क्या शहर में इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी और व्यवसाय जो कि शहर में अवैध तरीके से चल रहा है वो इसी तरीके से फलता फूलता रहेगा। मैम, जिस प्रकार से हाल ही में जो है गुटके को लेकर कार्रवाई उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में की गई थी, तो जानना चाहेंगे सबसे पहले किस तरीके की कार्रवाई थी, किस तरीके से जानकारी जो है प्राप्त की गई थी। जी देखिए, वहाँ पे हमें प्रोहिबिटेड फूड आर्टिकल मिला, हमने वो जब्त किया और उसे रिस्पॉन्सिबल जो जो पर्सन थे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जो नियम के अनुसार जो जो कार्रवाई है वो कर दी गई है बस। मैम, इस कार्रवाई के बाद इस तरीके से आरोप लगे हैं कि कार्रवाई के दौरान जो है कुछ पैसों की मांग की गई थी, 50,000। बिल्कुल नहीं है, सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नियम के अनुसार हमें जहाँ पे जो कुछ भी गलत दिखा, नियमों का उल्लंघन होते हुए दिखा, उस हिसाब से जो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके खिलाफ FIR दी गई है। काफी जगह पे गुटखा बेचा जा रहा है, बाकी पे कार्रवाई क्यों नहीं चल रहे? कार्रवाई जारी है। किती का माल जप्त केला आणि कोणाच्या दुकानातून जप्त केला? कधी से सांगता है तुम्हें? हाल ही में जो कार्रवाई हुई जनता पान शॉप मधून केला होता। कितने का जो है माल जप्त? साधारण 2,000 आसपास होता है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, विभाग जानना चाहेंगे? अरुणा वीरकायदे, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठाणे।